जब आप वोटिंग करने जाए तो निम्नलिखित दस्तावेज जरूर पकड़ कर जाएं ताकि आपको सहूलियत हो। इसके लिए मतदाता परिचय पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, केंद्र और राज्य शासन तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या स्थानीय निकाय द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र, बैंक अथवा पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, स्वास्थ्य बीमा कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, फोटोयुक्त राशन कार्ड, महाविद्यालय अथवा विद्यालय द्वारा जारी फोटोयुक्त छात्र पहचान पत्र, फोटोयुक्त सशस्त्र लाइसेंस, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी फोटोयुक्त पहचान पत्र, दसवीं और बारहवीं की फोटोयुक्त अंक सूची, ये सभी फोटो परिचय पत्र मान्य है। अतः आप सभी से निवेदन है कि फोटोयुक्त ये तमाम परिचय पत्र में से कोई भी एक परिचय पत्र लेकर जाए, निश्चित रूप से आपसे कोई भी तकलीफ नहीं होगी। आप जागरूक रहें और अपना मतदान जरूर करें और मुझसे जुड़े रहें। मैं वार्ड वाइज बताऊंगा कि किस प्रत्याशी ने किसे हराकर किस वार्ड में अपना कब्जा जमा किया। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि नगरीय निकाय का चुनाव 31 दिसंबर को होने जा रहा है। मतदान के लिए इन्हें सार्वजनिक अवकाश की भी घोषणा राज्य शासन द्वारा की गई है। जारी अधिसूचना के अनुसार नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत के निर्वाचन हेतु 21 दिसंबर को मतदान के लिए सामान्य अवकाश रहेगा तथा मैं यह भी बताना चाहूँगा दोस्तों कि इस बार मतदान केंद्र में मोबाइल फोन ले जाने पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया गया है। अतः आप लोगों से निवेदन है कि आप मोबाइल फोन मतदान केंद्र के बाहर उसे सुरक्षित रखने की व्यवस्था की गई है, या किसी को पकड़ा दें या फिर सुरक्षित रखें। दोस्तों आप मुझसे जुड़े रहें, मैं रिजल्ट के बाद किस वार्ड में किस प्रत्याशी ने अपना विजय किस प्रकार से दर्ज किया इसकी भी जानकारी लेकर आऊँगा। जय छत्तीसगढ़।